मैं इस वक्त अपने किचन में मौजूद हूँ और आज हम घर पे पिज्जा ट्राई करने लगे हैं। जिसके पास ओवन नहीं है या जिसके पास ज्यादा चीजें नहीं है वो भी आराम से बना सकता है। पसंद करते हैं वो वेजेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कोई एरिया ऐसा ना रहे जिसपे सॉस ना हो। ओवन की जरूरत नहीं है, हमने एक ये पतीला लिया हुआ है, इसके अंदर एक स्टैंड रखा हुआ है जिसके अंदर हमने नमक डाला हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं इस वक्त अपने किचन में मौजूद हूँ और आज हम घर पे पिज़्ज़ा ट्राई करने लगे हैं। ये पिज़्ज़ा जो आप रेस्टोरेंट्स पे खाते हैं उससे थोड़ा सा हटके है। वो क्यों है कि आप घर पे जिसके पास ओवन नहीं है या जिसके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं है वो भी आराम से बना सकता है। तो अब मैं आप लोगों को स्टार्ट करते हैं वीडियो और आप लोग देखिएगा। जी, ये हमने डो तैयार की हुई है। इसमें हमने 1 kg मैदा लिया है जिसके अंदर तकरीबन 5 teaspoon जो ऑयल डाला हुआ है, इसको नीम गर्म पानी में अदरक लहसुन का पाउडर, थोड़ा सा हसबे ज़रूरत थोड़ा सा नमक डाला हुआ है और चीनी डाली है ग्राइंड करके। और ये 1 kg में तकरीबन आपके 6 पिज़्ज़े बन जाएंगे। तो ये हमने डो तैयार की हुई है, ये डो का कुछ पोर्शन आप लोगों को दिखा रहे हैं। और इसके लिए आपको कुछ वेजेस चाहिए, जो आप पसंद करते हैं वो वेजेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 3 तरह के वेजेस लिए हैं जिसमें अनियन है, टमाटो है और कैप्सिकम है। इसके अलावा अदरक, ये पाउडर हमने यूज़ किया है, जायकादार अदरक पाउडर। इसी तरह से लहसुन पाउडर भी यूज़ किया है। पिज़्ज़ा सॉस, ये आप देखें, ये पिज़्ज़ा सॉस चाहिए होगी आपको, आप किसी भी ब्रांड की, अच्छे ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके लिए आपको ये बारबेक्यू सॉस हम यूज़ कर रहे हैं, बारबेक्यू पिज़्ज़ा ट्राई कर रहे हैं, तो इसके लिए ये चीज़ चाहिए होगी। अच्छा, आपको इसके लिए चिकन भी चाहिए होगा। जी, हमने बोनलेस चिकन लिया हुआ है जिसके हमने छोटे छोटे पीस करके उसको हल्के से ऑयल के साथ फ्राई किया हुआ है। समझें कि ये 70-80% पके हुए हैं ताकि हम इसको और जो पिज़्ज़े में यूज़ करेंगे। तो अब पिज़्ज़ा बाकायदा शुरू करते हैं। जो आपने पिज़्ज़ा पैन की डो तैयार करनी है वो आपका जो पिज़्ज़ा पैन होगा उसके साइज़ के मुताबिक तैयार करनी है। हमारे पास ये पिज़्ज़ा पैन है फिलहाल, तो जो मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा है वो इससे तैयार इजीली हो सकता है। तो हम ये पिज़्ज़ा पैन उसके हिसाब से साइज़ तैयार कर रहे हैं। ये तकरीबन हो चुका है और अब हम पिज़्ज़ा पैन में इसको रखेंगे और इसकी बाकी सेटिंग करेंगे। अच्छा, पिज़्ज़ा पैन पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि जो डो है वो नीचे ना चिपके और अच्छे से वो नीचे से भी कुक हो जाए। इसको आप थोड़ा सा उंगली के साथ, साफ उंगली के साथ आप अपने आराम से लगा सकते हैं ताकि नीचे हर जगह स्प्रेड हो जाए और आप लोगों की डो जो है वो नीचे ना लगे। ये इस तरह से पिज़्ज़ा पैन में डो रख के इसकी सेटिंग कर लेंगे। जो थोड़ा बहुत एरिया ऊपर नीचे होगा उसको एडजस्ट कर लेंगे ताकि ना ज़्यादा एरिया साइडों पे निकला हो और ना एरिया कोई कम हो, तो उस हिसाब से सेटिंग कर लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले हमारे पास अगर आप देखें तो ये डो हमारी तैयार है पैन में। अब इसके अंदर जो है हम सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस डालने लगे हैं। अब हमें इसकी ये इतना डालना है कि इसकी सिर्फ एक लेयर जो है वो बेस पे लग जाए। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ से ये खुद चम्मच के साथ आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ हम पिज़्ज़े में बारबेक्यू टेस्ट देने के लिए हमने बारबेक्यू सॉस है हमारे पास जो हम साथ में ट्राई करेंगे। अब ये चीज़ें सारी आपके टेस्ट के ऊपर होंगी, जो चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद है वो आप थोड़ी सी ऊपर नीचे खुद अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा बारबेक्यू टच ज़्यादा अच्छा लगता है तो हमने उसकी सॉस को ज़्यादा दे दी है। अब कोशिश करनी है कि जितनी भी आपके पास ये जगह हो सारी कवर हो जाए ताकि कोई एरिया ऐसा ना रहे जिसपे सॉस ना हो। आपको खाने में फिर इक्वल मज़ा आना चाहिए। ये हमारे पास सॉस हमने इक्वली स्प्रेड कर ली है। इसके बाद अब इसमें क्रश चीज़ की बारी है, वो हमने ऑलरेडी मंगवाई हुई है जिसके ऊपर हम सिर्फ क्रस्ट ही डालेंगे। कोशिश करनी है आप लोगों के पास क्रस्ट हो, अगर नहीं है तो फिर आप लोग खुद से करनी पड़ेगी आपको। और ये इस तरह से स्प्रेड करनी है कि आपके पूरे पिज़्ज़े के ऊपर इक्वली स्प्रेड हो जाए, कोई ऐसा एरिया ना हो जहाँ पे ये ना जाए, ताकि टेस्ट के वक्त आपको पूरे पिज़्ज़े में इक्वल टेस्ट आए आपके पास। अच्छा, ये देखें, ये हमने चीज़ इसके ऊपर इक्वली स्प्रेड कर लिया है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ओवन की ज़रूरत नहीं है। हमने एक ये पतीला लिया हुआ है, इसके अंदर एक स्टैंड रखा हुआ है जिसके अंदर हमने नमक डाला हुआ है। अब सीन ये है कि हमने इसको ऑलरेडी तवे पर चढ़ाया हुआ है ताकि ये इसकी हीट से ये पूरा सिस्टम जो है, ये बर्तन जो है ये फुल गर्म हो जाए। मीनवाइल ये तवा एक रखा हुआ है, इसको भी हीट के ऊपर साथ में हमने रख दिया है
ताकि ऊपर से हीट देने के लिए ये भी हमारे पास काम आए कि ये जो चूल्हा होगा ये नीचे से पका देगा, ऊपर के लिए हम वो जो हमारे पास पैन है उसको हम यूज़ करेंगे, आप लोग देखिएगा। अच्छा, ये हमारे पास चीज़ लगी है, अब इसके ऊपर हम लोगों ने सबसे पहले चिकन लगाना है। अब चिकन की भी किस्में हो सकती हैं कि आप कौन सा चिकन यूज़ कर रहे हैं। हमने बोनलेस चिकन को सिर्फ फ्राई किया हुआ है, आप इसको बारबेक्यू भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसमें कोई रेसिपी बनाना चाह रहे हैं तो वो भी करें। इसमें मेरी आपको सजेशन ये होगी कि आपने छोटी छोटी बोटियाँ करनी है ताकि ये इक्वली स्प्रेड हो जाए, सारे जगह पे इक्वली चला जाए। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी आप बाइट लेंगे पिज़्ज़े की, हर बाइट में नहीं तो हर स्लाइस में आपके पास अच्छी अच्छी पीसीस बोटियों के आ जाएंगे। जी, तो हमने चिकन लगा दिए, अब इसके ऊपर हमने लगाने जो हमारे पास अदरक लहसुन का पाउडर है, हमने वो थोड़ा सा स्प्रेड करने हैं। अब ये बिल्कुल थोड़े से एहतियात के साथ करने हैं कि ये आप लोगों को सिर्फ जायका देंगे। ठीक है, अदरक पाउडर हो गया, अब ये लहसुन पाउडर है, इसको भी हमने हसबे ज़रूरत हमारे थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए हमने इसको भी लगा दिया। ठीक है, हमारे पास रेड चिली है, अगर इसको देखें तो ये बड़े वैसे ही बड़ी खूबसूरत लगती है, तो इसको हम थोड़ा सा इसको स्पिन कर लेंगे ताकि इसका भी जायका भी आ जाए और ये पिज्जे में खूबसूरत भी लगेगी आपको। ये सारी चॉइसेस आपके टेस्ट के ऊपर है। अब वेजेस की बारी है, वेजेस में हमारे पास तीन किस्म की वेजेस है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले ये शिमला मिर्च हमारे पास है, हम इसको स्प्रेड कर रहे हैं। टमाटर और प्याज को हम इनको भी साथ में मिक्स कर रहे हैं। इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, अगर आप मशरूम ऐड करना चाह रहे हैं, चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड ऑन कर सकते हैं। ये हमारे पास वेजिस के साथ चिकन और सारी चीज़ें डालने के बाद ये तैयार हो गया। अब इसके ऊपर पिज्जे चीज़ की सेकेंड लेयर आएगी, उसके पास वही जो हमने पहले चीज़ की लेयर थी क्रश चीज़, उसी को हम दोबारा से इसके ऊपर सेकेंड लेयर बनाएंगे। ये अब आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं, जो चीज़ लवर्स हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर सकते हैं, और जिनको सबको चीज़ पसंद ही होती है, और अगर कोई कम चीज़ के साथ डाइट पिज़्ज़ा बनाना चाहता है तो अपने मुताबिक यहाँ पे सेट कर सकता है। ये हमारे पास तैयार हो गया, पिज़्ज़ा पकने के लिए जा रहा है। वही जो बर्तन मैंने आपको दिखाया था कि जिसको हमने हीट के लिए रखा हुआ था, उसके अंदर ऑलरेडी हमने एक सैंड रखा हुआ है और नमक डाला हुआ है ताकि हीट इक्वली स्प्रेड हो जाए। अब इसके अंदर आराम से इसको रखना है ताकि इसकी जो हीट डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, इसका ढक्कन हमने रख दिया है, एहतियात करनी है, थोड़ा गर्म था तो मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम हुई है। अच्छा, तो पिज़्ज़ा हमने रख दिया है, अब इसका तकरीबन हम 3 से 4 मिनट वेट करेंगे ताकि यीस्ट जो है वो नीचे से पक जाए, थोड़ी सी उसकी हीट लग जाए। अब ओवन में क्या होता है कि ऊपर नीचे से इक्वल हीट चल रही होती है तो आपको ऊपर से हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे आपको इस पैन के ज़रिए ऊपर से हम हीट देंगे ताकि ऊपर से भी पिज़्ज़ा बन जाए। तो अब वीडियो में हम 3-4 मिनट बाद मिलते हैं। 3 minutes later। जी, तो तकरीबन 3 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम पिज़्ज़े की देखते हैं कि हालत क्या है। ये देखें तो अभी कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब हम जो हमारे पास पैन है ऊपर से हीट देने के लिए हमने इसको उल्टा करके रख दिया ताकि ऊपर से भी हीट आ जाए। आंच को देखिए हमने मीडियम टू हाई फ्लेम में रखा हुआ है, आप इसको देख पा रहे हैं। तो अभी हम फिर से 3-4 मिनट इंतजार करेंगे। A few minutes later. जी, तो अब जो हमने तवा रखा था इसके ऊपर उसको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब इसकी पिज्जे की कंडीशन देखते हैं और तवे को हम दोबारा गर्म होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए ऊपर से हीट देने के बाद आप देख रहे हैं चीज़ बिल्कुल पिघल चुकी है, और नीचे से हीट की वजह से जो हमारी डो है, बेस है पिज़्ज़े की, वो भी पक रही होगी। ये हमने तवे को दोबारा रख दिए और ये इसको जो इसका कवर था, कवर दोबारा दे दिया ताकि नीचे से ये आराम से पक जाए। तो अभी फिर हम तकरीबन 3 से 4 मिनट इंतज़ार करेंगे। A few minutes later. जी, तो अब तकरीबन 2 मिनट गुजर चुके हैं और अभी ये पिज़्ज़े की ये कंडीशन है। अच्छा, एक और चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि पिज़्ज़े को नीचे से भी चेक करना है, कहीं ये नीचे से इसकी जो डो है वो ख़राब अभी पक रही है, वो कच्ची तो नहीं रह रही। और इस तरह जो पैन था हमारे पास गर्म होने के लिए उसको हम दोबारा से ऊपर रखते हैं और ये प्रोसेस तकरीबन 2 मिनट तक ऐसे ही रहेगा। A few moments later.
ये तकरीबन सेकंड राउंड का जो है 2 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम इसको दोबारा चेक करते हैं कि क्या पोजीशन है। अब ये देखें हमारा फुल लोडेड पिज़्ज़ा, आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल यमी लग रहा है और ये ऊपर से तैयार हो चुका है तकरीबन। अच्छा, इसका इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि हमने जो है वो चीज़ वेजिस के बाद डाली है, क्योंकि हम चीज़ लवर हैं तो मुझे चीज़ बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने कहा चीज़ को बाद में रखना है ताकि हमारे पास टेस्ट में ज़्यादा चीज़ आए। अगर आप चाहते हैं कि पिज़्ज़े की लुक भी ज़्यादा अच्छी है जैसे होता है, तो फिर सेकंड लेयर के बाद आप वेजेस ऐड कीजिएगा। उसमें ये होगा कि आप लोगों के पास पिज़्ज़े की ओरिजिनल लुक जैसे आप चाहेंगे वैसे मिल सकती है। अच्छा, हम सेकंड राउंड में भी चेक कर रहे हैं इसको कि यार ये नीचे से पका हो इसकी डो, और उसमें हमें देखने के बाद महसूस हुआ है कि तकरीबन इसको 1 से 2 मिनट की ज़रूरत है। तो अब हम जो तवा है वो उसके ऊपर नहीं रखेंगे, इसको कवर कर देंगे और 1 से 2 मिनट इंतज़ार करेंगे ताकि डो पक जाए और फिर पिज़्ज़ा खाने के लिए तैयार होगा। तो ये पिज़्ज़ा हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है, हमने इसको नीचे से भी तकरीबन देख लिया है, इसकी डो भी बन गई है। तो अब हम इसको निकालेंगे, ये बड़ा एक क्रिटिकल प्रोसेस है, इसको ध्यान से देखेगा। ये इसको आराम से एहतियात से निकाल के साइड पर रख लें आप, फिर एक प्लेट लें आप जिसमें इसको आप आउट कर सकें। अच्छा, इसकी हैंडलिंग आप एहतियात से कीजिएगा ताकि पिज़्ज़ा टूटे भी ना और एज इट इज़ जैसे है वैसे आप लोगों के पास आ जाए। तो ये फुल लोडेड चिकन पिज़्ज़ा फुल चीज़ के साथ ये तैयार है। अगर आप इसका देखें तो ये इंतहाई जितना ये लग रहा है कि टेस्टी है इतना होगा भी टेस्टी यकीनन। आप लोग इसको घर पे ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कैसे है। बस अब इसको काटना है और पिज़्ज़ा एंजॉय करना है। अगर आपका इस पिज़्ज़ा बनाने के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं चीज़ों के हवाले से। बाकी इसको ट्राई कीजिएगा और फिर अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बस पिज़्ज़ा एंजॉय करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।